तो निहारिका को मैंने बोला कि निहारिका जीन्स पहन लो, लेकिन निहारिका कहे नहीं, मेरा मैं मूड सूट पहनने का। तो अपना हेलमेट रेडी है, हेलमेट के ऊपर मैंने अपना ब्रैकेट लगा दिया और अपना टैंक बैग भी रेडी है, मोबाइल हमारे चार्ज हो गए हैं। तो आज क्या है कि मतलब बहुत दिन से ऐसा लग रहा था कि मैं पहले मोटो ब्लॉग करता था, मोटो ब्लॉग करने के बाद हम लोग कार पे आ गए। तो जैसे शादी हुई तो फिर निहारिका को बाइक अनकम्फर्टेबल लगती थी, तो उस वजह से मैंने कार खरीदी, तो कार में हम ब्लॉग करने लग गए। तो क्या धीरे 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 पता नहीं कैसा क्या हो रहा है कि या मेरा चैनल डेड हो गया है या यूट्यूब मेरा नोटिफिकेशन मेरे सब्सक्राइबर तक पहुँचा नहीं रहा है। ऐसा पता नहीं क्या है, वो यूट्यूब की पता नहीं क्या गाइडलाइन है या उसका क्या मतलब क्राइटेरिया है कि वो मेरे मतलब जो ब्लॉग हैं, जबकि सब्सक्राइबर बहुत हैं, व्यूज अच्छे आने चाहिए, लेकिन वो सब कुछ आ नहीं रहे। तो मैंने कहा क्यों ना फिर से मोटो ब्लॉग डाल के देखता हूँ कि क्या पता लोगों को मोटो ब्लॉग पसंद है। सो गाइज, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि व्लॉग्स। तो आज है संडे, संडे के दिन तो मैं कोई नहीं छोड़ता, कोई संडे मतलब ऐसा है कि बगैर राइड के मैं मानता नहीं हूँ। तो फिलहाल निहारिका और मैं जाए शॉर्ट राइड नहीं है, आज हमारी लॉन्ग राइड है। मतलब लॉन्ग राइड क्या, करीब 100 या 150 किलोमीटर, और अगर हम दोनों साइड लगाएं तो करीब आपके 350 किलोमीटर मान के चलो आपकी, हमको आज रन करना है बाइक से। तो फिलहाल हमें लखनऊ में, और लखनऊ से बिल्कुल करीब आपके 100-150 किलोमीटर की दूरी होगी, कानपुर से आगे बिठूर एक जगह पड़ती है कानपुर के पास में। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं लखनऊ से बिठूर, बहुत पुराना एरिया है और ऐतिहासिक है। तो निकलते हैं आज लखनऊ से बिठूर, देखते हैं वहाँ का रास्ता। तो जय श्री राम बोलते हैं और करते हैं स्टार्ट यात्रा अपनी। यह हमारी सोसाइटी, तो सोसाइटी के बाहर से मतलब हम लोग का जो है फ्लैट वह है हाईवे पे। एक्चुअली क्या हुआ कि कल मैंने कैमरा सेटअप किया है रात को, तो थोड़ा मेरे को डाउट है इसके एंगल पे। अब अगर एंगल ठीक रहेगा तो इसको ऐसे फिक्स करूँगा, अगर आज एंगल सही नहीं आया तो फिर मेरे को हो सकती है दिक्कत। तो ये है फैजाबाद हाईवे सामने। तो यहाँ से अभी मेरे को अभी तो गूगल मैप की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि कानपुर रोड मेरे को मालूम है कहाँ तक है। तो यहाँ से मेरे को अभी पकड़ना है शहीद पथ, पड़ेगा यहाँ से करीब आपके 7 किलोमीटर, तो शहीद पथ पकड़ना है। तो 35 किलोमीटर शहीद पथ पर चलने के बाद तो हम लोग फिर निकलेंगे कानपुर वाले रास्ते पे। ये रास्ता भी मेरे लिए नया है और मैं पहली बार उस रास्ते पे बाइक चला रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा है आज रास्ता। और मौसम सुबह का ठंड वाला है बहुत, अभी फ़िलहाल ठंडा नहीं लग रहा क्योंकि मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं, दो जैकेट पहनी हुई है। अब निहारिका के बारे में नहीं मालूम, एक निहारिका के लिए हेलमेट लेना है क्योंकि हमने एक ऑनलाइन हेलमेट मंगाया था उसके लिए, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया। तो अभी देखते हैं कहीं पे हेलमेट वाले रोड पे होते हैं, तो निहारिका के लिए हेलमेट लेना जरूरी है क्योंकि सेफ्टी पहले फर्स्ट है, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। लोग आगे शहीद पथ पे, अभी देखो ना उधर धूप तो निकल चुकी है लेकिन धुंध पूरी की पूरी अभी भी आने लग गई है। मतलब कुछ दिन बाद क्या आलम होगा कि इधर साइड में पूरा होगा कोहरा और हम लोग धूप के लिए तर जाएंगे, क्योंकि जब से मतलब दिवाली हुई है तो उसके बाद अभी तो बारिश नहीं हुई, और बारिश ना होने की वजह से पॉल्यूशन का जो लेवल है ना बहुत ज़्यादा वो है, मतलब एकिया लेवल का 350 के करीब है अभी लखनऊ का, तो मतलब बहुत ज़्यादा है आजकल। मतलब लोगों को सर्दी जुकाम खांसी बहुत ज़्यादा, मतलब इसकी वजह से मौसम की वजह से एलर्जी बहुत हो रही है। अभी ये कुछ दिन बाद पूरा कोहरा मचा जाएगा, तो उसके बाद दिन में धूप भी नसीब नहीं होने वाली है। जब तक ये धूप दिख रही है तब तक बाइक चला के आराम से घूम फिर लो, हम तो यही सोच रहे हैं। तो ये देखिए यह है पूरा शहीद पथ, अभी मैं आपको 2-3 चीज़ें और दिखाता हूँ शहीद पथ में क्या क्या है। क्या है कि सामने वाला जो क्रिकेट स्टेडियम है, ये इंटरनेशनल है, इसको बोलते हैं इकाना। तो ये यहाँ पर मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, साथ साथ में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का ये होम ग्राउंड भी है। अभी तक इसमें 2-3 मैच हुए हैं इंटरनेशनल वाले, अभी मेरे ख्याल से इस बार जब IPL होगा तो लखनऊ के कुछ मैच इस मैच में भी हों। तो इसी के बगल में है लखनऊ का एक बहुत खूबसूरत मॉल है, इसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत प्यारा है, इसका नाम है प्लासियो या फोनिक्स जैसे बोलते हैं। तो इसके अंदर भी आपको सारे शोरूम वगैरह मिलेंगे, जो ये शोरूम बिल्कुल ये बगल में ही है ना, तो इकाना में जितने प्रोग्राम होते हैं उसमें जितने सेलिब्रिटी होते हैं तो वो लोग शॉपिंग करने के लिए मोस्टली इसी मॉल पर आते हैं। कभी मतलब आपको भूले भटके यहाँ पर मॉल पे मिल जाएंगे। बीच में यहाँ पे आए थे रणवीर कपूर और आलिया भट्ट,
दो के दो यहाँ आए हुए थे अपनी पिक्चर का प्रमोशन करने के लिए। तो ये भी अच्छा है। एक मॉल और है बहुत अच्छा इसी रोड पे, अभी आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं आपको जब प्लासियो मॉल दिखाता था तो मैंने आपको बोला कि एक और मॉल है इस रोड पे, तो ये सामने वो मॉल है, अभी पेड़ की वजह दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये है, बोलते हैं ये एशिया का सबसे बड़ा मॉल है। मैं वैसे दो तीन बार यहाँ आ गया हूँ ब्लॉग बनाने के लिए, तो अब देखो इतना बड़ा तो लगा नहीं अभी, क्योंकि इसमें शॉप खुली नहीं है अभी उतना। लुलू मॉल लखनऊ, तो इसमें शॉप अभी उतनी खुली नहीं है। तो लोग बोलते थे एशिया का सबसे बड़ा मॉल, फिर मैंने गूगल किया तो गूगल में जाके देखा, मैंने खुद भी थंबनेल डाला कि एशिया का सबसे बड़ा मॉल, तो क्या बोलते हैं, फिर मैंने गूगल करके देखा, तो गूगल में देखा कि ये एशिया का सबसे बड़ा मॉल नहीं है। तो शहीद पर छोड़ने के बाद हम लोग आ गए हैं कानपुर रोड पे। अब जैसे कानपुर रोड में हम लोग आए तो यहाँ आके ट्रैफिक बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, और थोड़ा यहाँ पर क्या है कि लोग ना गाड़ी थोड़ा ऐसे उटपटांग बहुत चलाते हैं, तो इसलिए मैं गाड़ी चला रहा हूँ आराम से। एक तो निहारिका की हो गई है हालत ख़राब, क्योंकि मैंने बोला था इसको तो मेरा कहना मान ले, उसने मेरा कहना नहीं माना, तो अब उसकी कुल्फी जम रखी है। तो पहले मैं देख रहा हूँ कि रोड साइड हेलमेट बेचते हैं ना, तो एक बार कहीं पे ऐसा कोई मिल जाए तो उसके लिए एक हेलमेट ले लूँ, तो इसके जो सर की ठंड है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया हुआ है, अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ, तो हम लोग को कहीं पे करना है ब्रेकफास्ट, तो हम लोग पहले ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद जाएंगे। अभी कहीं पे कोई अच्छा ढाबा मिल जाए तो वहाँ करते हैं ब्रेकफास्ट पहले, और एक हेलमेट और ब्रेकफास्ट दो चीज़ें हैं हमको नेसेसरी पहले। अरे क्या की शक्ल देखो, देखो देखो कैसी लग रही शक्ल, आया मजा है, मजा आया राइड का। अभी तो सिर्फ हम लोग कितने आ रहे हैं, 35 किलोमीटर आए हैं बस, अभी 100 किलोमीटर हो जाना है। तो हम लोग ढाबे में रुके हैं, बाइक उधर खड़ी है। क्या क्या है नाश्ते में? नाश्ते में आलू पराठा, पनीर पराठा, पनीर पकौड़े, प्याज पकौड़े। तुम चाय पिलाओगे? चाय पिलाओ पे। तो भैया अपना नाश्ता तो हमारा हो चुका है, पराठा था इतना बड़ा पराठा कि अब मुझे लगता है कि दिन में भूख लगेगी ना निहारिका को ना मुझको। निहारिका का सोचो वो पराठा इतना बड़ा था कि निहारिका का 1/4 पराठा भी मेरे को खाना पड़ा। तो दो चाय पी मस्त करके, पीछे एक ढाबा था अन्नपूर्णा ढाबा, तो उसके बाद से अब निकल पड़े हैं। अभी तक निकल रहे हैं कानपुर की। अब आप देखो कानपुर का ये जो रास्ता है ना, ये कुछ दिन बाद एक्सप्रेस वे में बदलने वाला है, तो एक्सप्रेस वे बदल जाएगा। थोड़ा मुझे अभी भी जो एंगल है ना कैमरे का वो सही नहीं लग रहा है, थोड़ा सा कैमरे का एंगल ऊपर की ओर और होना चाहिए था मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा मतलब फील हो रहा है, थोड़ा इसको चेंज करना पड़ेगा नेक्स्ट राइड के लिए। तो आज तो ऐसे काम चलाओ आप भी और मैं भी। पड़ा है पहला टॉल नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज इस जगह का नाम है। यहाँ पे एक बहुत फेमस नवाबगंज पक्षी विहार है, मैं आज तक कभी आया नहीं, कभी अगर फोटोग्राफी करने का मन होगा तो आऊँगा ज़रूर, आपको भी दिखाऊँगा, और फोटोग्राफी में कौन कौन सी बर्ड आती हैं विंटर्स में ये भी देखा जाएगा। थोड़ा अगर कोई झील हील होगी तो बर्ड आती होंगी, अगर झील वगैरह नहीं होगी तो बर्ड नहीं आती होगी, तो बाद में जाना जाएगा। तो फिलहाल आज हमको टॉल नहीं पड़ा क्योंकि वहाँ मोटरसाइकिल में, उतनी कार में ना टॉल देते रहते ही आदमी का आधा पैसा तो ऐसे निकल जाता है। तो जितने में मैं कार में टॉल देता हूँ तो सोच लो उतने में मैं उतने का तेल भरा के तो मैं कानपुर पहुँच जाऊँगा, अल्लाह ना फ़ायदा है। तो ये एक्सपीरियंस करने के लिए हम लोग इसलिए राइड कर रहे हैं बाइक पे आज, मतलब ये ज़्यादा लॉन्ग राइड भी नहीं है, राइड मतलब थोड़ी बहुत वैसी वाली है, क्या ना शॉर्ट है ना लॉन्ग है, तो इसी में इतनी राइड पे ही, क्योंकि आदमी जब भी आता ना तो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर में ही मतलब एक ब्रेक लेता है, तो इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अगर ऐसे लगातार राइड करेंगे तो कैसा कंफर्टेबल होगा। फिर बाइक का भी थोड़ा स्ट्रक्चर ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा मेरे को, कि उसमें पैनियर लगाने पड़ेंगे और या फिर टॉप बॉक्स लाना पड़ेगा कि जिसमें हम लोग दोनों का सामान आ जाए, तो हम दो के दो आराम से बाइक से राइड कर पाएँ। तो फिलहाल ये मेरा प्लान है, अभी देखते हैं अगर ये ब्लॉग चलेगा, और मुझे लगा कि हाँ कार वाले ब्लॉग से ज़्यादा मोटो ब्लॉग ज़्यादा अच्छा है, तो हम लोग राइड फिर बाइक से करना स्टार्ट कर देंगे। देखो मिर्जा इंटरसर फुटवेयर, देखो ये पूरे जूते बनते हैं यहाँ पे मिर्जा इंटरसर के, इसी के जूते यहाँ मिलेंगे।
तो मतलब यहाँ पर क्या है, हम लोग उन्नाव पहुँच गए थे। यहाँ पर मिर्जा इंटरनेशनल का एक बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसे शूज वाली बहुत सारी कंपनी है, क्योंकि आपको मालूम है कि उन्नाव और कानपुर में चमड़ा उद्योग उत्तर प्रदेश का बहुत ज़्यादा फेमस है। धीरे धीरे एक मतलब कम होने लग गया, लेकिन है मतलब फिर भी अभी भी है। तो इसके इन्हीं कंपनियों के बाहर से उन कंपनियों के आउटलेट हैं जहाँ पर आप खरीद सकते हैं सस्ता सामान। अभी हम लोग अगर वापस जाएंगे जब यहाँ से लखनऊ को कानपुर से, तो हम उस वक्त देखेंगे निहारिका के लिए चप्पल वगैरह अगर कुछ मिल जाए तो अच्छी तो हम लेंगे। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं उन्नाव। उन्नाव शहर इस फ्लाईओवर के पूरा नीचे नीचे चला गया और गुनगुनी सी धूप आ गई है। अभी मौसम ठंडा है, निहारिका की हालत ख़राब है क्योंकि अभी तक अभी हमको हेलमेट हमने लिया नहीं। तो हेलमेट तो हमको लेना है, वो ज़रूरी है क्योंकि वो एक्चुअली ठंड से भी बचाएगा, सेकंड थिंग है क्या आपको सेफ भी करेगा, क्योंकि आप देखो ना ये है उत्तर प्रदेश, यहाँ की सड़कों में गाड़ी चलाना है बहुत टफ टास्क। अब देख रहे हो आप, वो दो ओवरटेक कर रहे हैं ट्रक एक दूसरे से, इन लोगों ने मेरी वाट ला के रखी है बहुत देर से। ये दो के दो पता नहीं क्या करने लगे हैं, रेस टाइप की कर रहे हैं। ये तो ये इस फ्लाईओवर के नीचे पूरा का पूरा उन्नाव शहर निकल गया है। तो ये नीचे ट्रेन पटरी थी तो उस साइड पर पूरा शहर है उन्नाव। तो भैया कानपुर आने से पहले हम लोग कानपुर मतलब ये 10 किलोमीटर था, तो इसे बाईपास पर आ गए। यहाँ से बाईपास से सीधे बिठूर वाला रास्ता है, ये थोड़ा गांव के अंदर से ये रास्ता जाएगा मुझे, क्योंकि एक बार बहुत पहले मैं इस रास्ते पर आया था, वो भी हम रात के टाइम पर आए थे, शादी में किसी की, तो तब मेरे को ये रास्ता थोड़ा बहुत रिमाइंड है कि ये रास्ता ऐसे ग्रीन पार्क स्टेडियम के पीछे से ऐसा कहीं निकला था उस दिन, जो उसमें तो कोई मालूम भी नहीं था रास्ता, रात के अंधेरे में गाड़ी चली थी, लोग आपस में बात कर रहे थे, तो तब मैं देखा था। देखो आप कितना ज़्यादा पोल्यूशन है, क्योंकि ये पूरा ना चमड़ा उद्योग है ऐसा कानपुर में, तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। लखनऊ से भी मतलब हाई लेवल का पोल्यूशन है यहाँ पर और ज़्यादा। जैसे देख रहा हूँ ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं ना किनारे पर, ये पूरी टीन लगी हुई है, तो ये सिर्फ एक साइड है, सिर्फ मतलब वो रेसिडेंशियल साइड है, मतलब यहाँ पर लोग मकान बनेंगे, तो इसका नाम है देखिए ट्रांस गंगा सिटी। तो ट्रांस गंगा सिटी इसका नाम है, तो आप देखो ना इतना बड़ा है मतलब प्रोजेक्ट, तो सोचोगे अगर जब ये बनेगा तो करीब आपके इसमें नहीं भी होंगे तो पता नहीं कितने मकान होंगे। हद में 10,000 बोल रहा हूँ, 10,000 भी मुझे कम लग रहे हैं, मतलब जब से मैं इसके किनारे चल रहा हूँ उस साइड को भी बहुत मतलब प्लॉटिंग बहुत अंदर तक है, पता नहीं कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ना यार। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट है, ये है गंगा बैराज, और आप देखें ना किनारे शाम के टाइम पे गंगा बैराज में कानपुर में इतनी भीड़ होती है, तो मतलब ये पूरा एरिया मतलब यहाँ का फूड कोर्ट टाइप का है, ये पूरा का पूरा उस टाइम पर बड़ा रहता है। तो यहाँ पर है आई लव कानपुर लिखा हुआ, तो क्यों ना हम लोग भी यहाँ पर फ़ोटो खिंचा लें, एक फ़ोटो तो बनती है। तो निहारिका और मैं क्या बोलते हैं थंबनेल की फ़ोटो कितने के लिए रुक गए थे भैया, थंबनेल बनाना मस्त आ गया। ये है नीचे माँ गंगा नदी बह रही है, तो मतलब अब तो यहाँ से मतलब फिर भी हालात ठीक हो गए, लेकिन पहले क्या था कि मतलब कानपुर में चमड़ा उद्योग जितना भी था ना उसकी वजह से गंगा में मतलब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जाता, अब तो फिर भी ठीक हो गया। तो ये पूरा गंगा बैराज है, शाम के टाइम पे यहाँ पे बहुत भीड़ लग जाती है। उधर आई लव कानपुर लिखा हुआ है जहाँ पर हमने इस ब्लॉग का थंबनेल हमने खींचा है जहाँ पे। तो अभी हमको जाना है पहले बिठूर, तो बिठूर करीब है यहाँ से अभी और बचा हुआ है कानपुर से 15 किलोमीटर दूर है, तो फिलहाल हम लोग को जाना है बिठूर। तो सीधा स्टेट वे है बिठूर, क्योंकि हमारा मेन मकसद था बिठूर घूमने का, तो कानपुर शहर तो कभी दोबारा घूम लेंगे, लेकिन पहले भी जा रहे हैं हम लोग बिठूर। आज है गंगा बैराज क्रॉस करने के बाद ठीक सामने देखिए आप, यहाँ पर मन्ना लिखा हुआ है, बिठूर 14 किलोमीटर लिखा हुआ है, सीमपुर लिखा हुआ है 8 किलोमीटर। तो ये हमारा रास्ता हो गया बिठूर का। तो बिठूर के किनारे गंगा घाट बहुत अच्छा है ऐसा लोग बोलते हैं, और वो ऐतिहासिक शहर है, 1857 की क्रांति वहीं से स्टार्ट हुई थी ये भी लोग बोलते हैं। तो आज जाके देखेंगे हम लोग बिठूर मंदिर। देखिए ना वो है कानपुर का इस्कॉन टेम्पल, यहाँ से वो रास्ता जाता है, देखिए वो मंदिर भी काफ़ी अच्छा है इस्कॉन टेम्पल वो सामने। तो हम लोग पहुँच गए हैं देखो बिठूर, ये बिठूर का बैंक है, बिठूर ब्रांच लिखा हुआ है SBI का। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं घाट की ओर को,
जो यहाँ का मतलब बिठूर है, तो उसका जो घाट है, जो फिलहाल वहाँ जा रहे हैं हम लोग घाट की ओर को, वहीं से नज़ारा देखेंगे, शायद वहाँ क्या क्या होता है वो भी देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग पे। नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा बिठूर, क्योंकि ये वाला ब्लॉग काफ़ी बड़ा बन गया है। तो इसलिए अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।